नमस्कार, रियासी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। रियासी में खुली शराब की दुकानें। 2 महीने के बाद आज रियासी में तमाम शराब की दुकानें खुल गई हैं। लोगों को ये उम्मीद थी कि दुकानें खुलने के बाद यहाँ पे लाइनें लगेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा रियासी में अभी तक देखने को नहीं मिला है। दो दो सिंगल सिंगल कस्टमर ही दुकानों में पहुंच रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा पहुंच रहे हैं तो वहां पे दुकानों के बाहर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, वो ग्राहकों की मैनेजमेंट कर रहे हैं। रियासी के बस स्टैंड की एक वाइन शॉप की लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं करीब 4 से 5 लोग इस समय शराब की दुकान में पहुंचे हैं। जो उनके कर्मचारी हैं, उनको जो ग्राहक हैं, उनको लगातार समझा रहे हैं कि कहां पे खड़े होकर आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना है। तो लगातार यहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से जम्मू से तस्वीरें आई थी या देश के अन्य हिस्सों से तस्वीरें आई थी कि शराब की दुकानें खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक रियासी में ऐसा देखने को नहीं मिला है। रियासी की एक बस स्टैंड में स्थित एक वाइन शॉप के बाहर इस समय हम पहुंचे हैं। लाइव विजुअल्स वहीं के आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे भी लाइन नहीं लगी है। इसके अलावा अगर अन्य शराब की दुकानों की बात करें तो वहाँ पर भी ग्राहकों की लाइनें नहीं हैं, ऐसी जानकारी हमें मिली है। हम भी वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ भी लाइनें नहीं हैं और इस दुकान के बाहर भी लाइनें नहीं हैं। हालांकि 2, 3, 4, 5 कस्टमर ज़रूर एक साथ आ रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी जो हैं शराब की दुकान के जो कर्मचारी हैं वो उन्हें पीछे ही रोक रहे हैं। सर्कल्स भी बनाए गए हैं, गोले भी बनाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो गोले बनाए गए हैं वो काफ़ी दूर तक बनाए गए थे। ये गोले बनाए गए थे, ये इसलिए बनाए गए थे कि अगर ज़्यादा लोग शराब की दुकान में पहुंचते हैं, भीड़ लगती है, तो इन गोलों में जो लोग हैं उनको खड़ा किया जाए और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन की जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, लाइनें नहीं लगी हैं, कुछ एक कस्टमर ही आ रहे हैं और शराब खरीद कर वापस जा रहे हैं, तो उस वजह से लाइनें यहाँ पर नहीं लगी हैं। तैयारियाँ यहाँ पे की गई हैं प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, पुलिस भी यहाँ पे तैनात है। दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो पुलिस के जवान भी यहाँ पे देखे गए थे लगातार, लेकिन जितनी भी दुकानें हैं वहाँ अभी तक जो लाइनें हैं वो देखने को नहीं मिली हैं। पुलिस के जवान आप देख सकते हैं यहाँ पे तैनात हैं और शराब की दुकानों के बाहर पुलिस तैनात की गई है, ताकि अगर यहाँ पे भीड़ लगती है तो उसको नियंत्रित किया जा सके, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। तो शराब की दुकानें आज रियासी में खुल गई हैं। इससे पहले भी हमने एक पोस्ट के जरिए तमाम जो 3 दुकानों की तस्वीरें थी रियासी की, उनकी पोस्ट एक डाली थी और उसके बाद हम ये लाइव वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। आपको अब बता दें कि ये जेके बैंक के बाहर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर लाइन लगी हुई है लोगों की, ये अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बैंक में काम से लोग आए हैं, एटीएम में भी पैसे निकालने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग हैं जो जेके बैंक में पहुंचे हैं, एटीएम में पहुंचे हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ मेल लाइन में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ जो महिलाएँ हैं वो लाइन में लगी हुई हैं। तो ये महिलाओं की लाइन, सामाजिक दूरी की अगर बात करें तो कम दूरी इन लोगों ने रखी है, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, लेकिन जो दूरी है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए, लेकिन
यहाँ पे लोगों में जो दूरी देखने को मिल रही है वो काफ़ी कम है। और अब मेन बाज़ार की तरफ रुख करेंगे, वहाँ की जो शराब की दुकानें हैं मेन बाज़ार में, वहाँ की लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मौसम की अगर बात करें, मौसम आज सुहाना बना हुआ है, हल्की हल्की हवा भी है, बारिश की बूंदें भी पड़ना शुरू ही हैं, हल्की बूंदाबांदी है। इसी के बीच हम आपको मेन बाज़ार में जो दुकानें हैं शराब की, उनकी भी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। तो रियासी के मेन बाज़ार में इस समय हम पहुंचे हैं। जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि रियासी में भी दुकानें शराब की खुलने के बाद भीड़ देखी जा सकती है, लाइनें लग सकती हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है। हालांकि ये जो मेन बाज़ार में दुकान है, इसके बाहर 7-8-9 कस्टमर ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। इस समय अगर इससे पहले की बात करें तो काफ़ी कम लोग यहाँ पे पहुँच रहे थे, लेकिन इस समय यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। सामाजिक दूरी इनमें है, कितनी दूरी है, क्या वो पर्याप्त है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन इस शराब की दुकान के बाहर भी जो सर्कल हैं वो बनाए गए हैं, हालांकि कुछ लोग सर्कल में खड़े नहीं हैं। सर्कल ज़रूर बनाए गए हैं, आपको बता दें कि ये सर्कल तो ये रियासी की मेन बाज़ार में एक शराब की दुकान। तो सर लाइव इस समय आप रियासी अपडेट्स में हैं, लाइव चल रहा है। अच्छा। क्या उम्मीद थी आपको कि दुकान 2 महीने के बाद खुली है, क्या जो लोग हैं वो लंबी लंबी लाइनों में आएंगे, भीड़ लगेगी, या यही उम्मीद थी कि कम थी? मगर जो शहर छोटा शहर है तो जहाँ उम्मीद की वाली वो बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि गाँव से गाड़ियाँ बंद हैं, गाँव से कोई आदमी नहीं आ रहा है। तो शहर में कितनी लोकलिटी है, इससे पहले पौनी और पार्क में खुल चुकी है, तो उधर की वो जो खुल चुकी है, जो लोग जो थे वो जो माल जो लेने वाले थे वो उधर से लेके आए। तो प्रबंध भी किए गए थे क्या पुलिस द्वारा? हाँ, दायरे लगाए, ये गोले लगाए हैं, गोले लगाए गए थे। तो लोग जो आ रहे हैं इस समय वो फॉलो कर रहे हैं सामाजिक दूरी का? जो नहीं, गोले लगाए हैं, ये रस्सी बांध के रखी है हम। कहीं ना कहीं अच्छी बात भी तो है, ज्यादा लंबी लाइनें नहीं रहेंगी, जो सुरक्षा भी रहेगी, बहुत अच्छा है हमारे लिए, अच्छा जनता के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। हाँ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, ये जो बाबा फैली हुई है बहुत जरूरी है ये सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये जो नहीं रश है तो बहुत अच्छी बात है, रश नहीं होना चाहिए। हम जी चाहते हैं दुकानदार के रश नहीं पड़ना चाहिए, एक एक दो दो आदमी आना चाहिए, क्योंकि संभालना मुश्किल हो जाता है आपके लिए भी, आप काम करेंगे अंदर या फिर हमको भी, और ग्राहक को भी परेशानी होगी, हमको भी परेशानी होगी, बाकी सरकार को भी होगी, वो भी उनको भी अपने कर्मचारी तो पुलिस वाले लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। क्या फायदा जी? तो क्या अब रेगुलर खुली रहेंगी दुकान? हाँ, अभी हमको तो यही ऑर्डर है आज से खोलो जी। दाम भी बढ़ चुके हैं, सुबह 9 से 5 बजे तक, सुबह 9 से 5, और दाम भी बढ़ चुके हैं, दाम 50% 50% रेट, यानी कि डबल हो चुके हैं। जो 60 था वो 90 का होगा, 60 जो 90 का, कम से कम हमारे पास 60 का था वो कम से कम 90 का होगा जी। शुक्रिया। तो इन्होंने कहा कि एक रस्सी यहाँ पे वो भी लगाई गई है ताकि ग्राहक जो है वो अंदर ना आए। तो इस समय यहाँ पे ग्राहक नहीं है,
हालांकि कैमरा देखकर भी कुछ जो ग्राहक थे वो वेट कर रहे थे कि कब कैमरा हटे और वो शराब खरीदें। तो एक और दुकान में जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ का जो हाल है वो बताएंगे आपको। तो ये रियासी के मेन बाजार की एक और दुकान है, यहाँ भी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। लोग नहीं हैं यहाँ पर भी, सिंगल सिंगल लोग ही आ रहे हैं। तो जो शराब के दुकानदार हैं उन्हीं से बात करते हैं। सर, उम्मीद क्या थी कि लाइनें लगेंगी, भीड़ होगी, तो उसके विपरीत होता दिख रहा है? नहीं, हमने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि यहाँ पर रश होगा, क्योंकि जो सराउंडिंग में, जैसे कमिश्नर साहब ने स्टैंड अलोन दुकान जो उनका एक सोचा था उन्होंने, वो बिल्कुल सही उन्होंने सोच थी उनकी, कि जो स्टैंड अलोन दुकान जैसे पौनी में खुला उसकी वजह से रश कम हो गया, मंथल में खुली उसकी वजह से अभी इतना रश नहीं है, बाकी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो क्या सही बात है कि रश नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी कहीं ना कहीं वो चीज खतरनाक साबित हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है नहीं कि कोरोना किसको है और किसको नहीं है, क्योंकि ये किसी को बता के तो आएगा नहीं। हमारे लिए भी प्रिवेंशन है और कस्टमर के लिए भी, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि रश जितना कम हो सके उतना बढ़े। और क्योंकि ये तो अब 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जैसी गाइडलाइन है अभी चल रही है, और जब तक ये डीसी मैम या कमिश्नर साहब का ऑर्डर फर्दर ये है कि जब तक खुला है आराम से हम चलाएंगे, जब ऑर्डर नेक्स्ट होगा तो फिर देखा जाएगा। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो इनका कहना है कि अगर लाइनें नहीं लगी हैं तो इनके लिए भी कहीं ना कहीं वो अच्छी बात है, क्योंकि जब लाइनें लगेंगी, भीड़ होगी, तो बीमारी जिस तरह से फैली हुई है वो इनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये रियासी के मेन बाज़ार की एक दुकान है, देख सकते हैं इस समय कोई भी कस्टमर यहाँ पर नहीं है। ये भी हो सकता है कि कैमरा यहाँ पे हमारा है तो इस कारण भी यहाँ पे कोई कस्टमर सामने नहीं आ रहा होगा दुकान में शराब खरीदने के लिए। तो अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं और तीन दुकानें हम आपको दिखा चुके हैं, दो मेन बाज़ार की दुकानें और एक दुकान जो कि बस स्टैंड में है। एक बार फिर बस स्टैंड की तरफ रुख करेंगे और वहाँ जो पहले हमने आपको दुकान दिखाई थी वहाँ का नज़ारा आपको एक बार फिर दिखाएंगे। हल्की बारिश भी हो रही है और बेहद अच्छी बात है कि रियासी में शराब की दुकानों के बाहर भीड़ नहीं लगी है, लाइनें नहीं लगी हैं, बेहद ही अच्छी बात। लोग भी समझदार हैं, यहाँ भीड़ लगाने से उन्हें भी खतरा हो सकता है, बीमारी एक दूसरे को फैल सकती है। और जिस तरह से विभाग ने, एक्साइज विभाग ने पहले जिले में दूसरी कुछ दुकानें खोल दी थी, उसके बाद अब रियासी में 2 महीनों के बाद शराब की दुकानें खोली गई हैं, तो यहाँ पे भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 2 महीने तक शराब ना मिलने से कुछ लोगों ने शराब का सेवन करना बंद भी कर दिया होगा, ऐसा हमने कुछ लोगों से बात की जो शराब पीते थे, उनका भी कहना था कि अब वो कोशिश करेंगे कि शराब की आदत उन्हें अब फिर से ना लगे। लेकिन अब 2 महीने के बाद दुकानें रियासी में शराब की खोल दी गई है। अन्य दुकानों की बात करें तो रोजाना की तरह 9 से 5 बजे तक दुकानें खुल सकती है और रोजाना दुकानें खुलती हैं फ्रूट की और सब्जी की, ये दुकानें हैं। अन्य कुछ दुकानें हैं 9 से 5 बजे तक डेली रियासी में दुकानें खोली जा रही हैं, जो MHA का आर्डर था उसके बाद जिला प्रशासन का आर्डर था उसके तहत रियासी में सुबह 9
से शाम 5 बजे दुकानें खोली जा रही हैं, लोगों को रिलैक्सेशन दी गई थी, लोगों का सामान भी ख़राब हो रहा था, काफ़ी नुकसान भी लोगों को हुआ था, लेकिन अब लोगों की दुकानें खुली हुई हैं रियासी में। और ये कम्प्लेक्स का एक दृश्य आपको दिखाएंगे, यहाँ भी जो अंदर दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, हालांकि लॉकडाउन के पहले के मुकाबले उस तरह की यहाँ पे रौनक नहीं है, जो कि अच्छी बात भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, जिस कारण ज़्यादा लोग रियासी में नहीं पहुँच पाते हैं, लोगों के पास अपने वाहन नहीं होते हैं। प्राइवेट व्हीकल चल सकते हैं, कैब टैक्सी चल सकती है, ऑटो में लोग आ सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो फ़िलहाल बंद है, क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलेगा तो उसमें इस बीमारी के फैलने का जो ख़तरा है वो अधिक रहेगा, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अभी नहीं खोला गया है, जिस कारण लोग भी ज़्यादा संख्या में रियासी में नहीं पहुँचते हैं। हालांकि लोग बैंकों में ज़रूर पहुँचते हैं, लोगों के ज़रूरी काम होते हैं, पैसों से ही सामान खरीदना होता है लोगों को, तो पैसों के लिए लोग पैसे निकालने के लिए व अन्य ज़रूरी कामों के लिए बैंकों में पहुंचते हैं। जेके बैंक के बाहर हमेशा देखा जाता है कि लाइन लगी रहती है, आज भी आप देख सकते हैं ये लंबी लाइन है, यहाँ पे सामाजिक दूरी का पालन भी हो रहा है। यहाँ तक जो डिस्टेंस लोगों ने बना के रखा है वो एक हद तक सही बना के रखा है, और इसके बाद की अगर बात करें तो बीच बीच में लोग इकट्ठा भी खड़े हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं कि लोग इकट्ठे हैं। ऊपर बैंक में सिक्योरिटी वालों को जितना बताया गया है उसके अनुसार ही वो लोगों को अंदर जाने की अनुमति देते हैं, और जिनका काम हो जाता है ऊपर बैंक में जब वो बाहर आते हैं तो और लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। आपको बता दें कि मुख्य बैंक है ये रियासी का, रियासी के बस स्टैंड में, और एटीएम भी ठीक बैंक की एंट्री के पास है, तो एटीएम में पैसे निकालने आए लोग भी इसी लाइन में लगे रहते हैं, और बैंक जाने वाले लोग भी लाइन में लगे रहते हैं। और ये महिलाओं की जो लाइन है वो अलग से लगाई गई है, लेकिन महिलाओं में जो गैप नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, कुछ स्थानीय दुकानदार भी इनको बता रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि जो गैप है वो नहीं बनाया गया है, प्रॉपर जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो गाइडलाइंस हैं COVID-19 को लेकर उसके तहत यहाँ पे डिस्टेंस जो है नहीं दिख रहा है। लोगों को कहीं ना कहीं खुद जागरूक होना होगा, क्योंकि पुलिस वाले या फिर अन्य लोग कब तक लोगों को बताते रहेंगे, लोगों को अब खुद समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि ये खतरा सबके लिए है, इन लोगों के लिए ज़्यादा है जो कि सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं या फिर मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। हालांकि अब रियासी में जो भी लोग आते हैं मैक्सिमम लोग मास्क डाल के ही अंदर आते हैं। तो ये जेके बैंक के बाहर की तस्वीर है, तो आप देख सकते हैं जो मार्केट का दृश्य है रियासी की, वो रोज़ाना की तरह सुबह 9 बजे दुकानें खुली हैं रियासी में। और अब इस चौक की बात करें तो रिलैक्सेशन से पहले इस चौक पे लोगों को रोका जाता था, उनसे पूछा जाता था कि वो किस काम के लिए जा रहे हैं, उनका पास चेक किया जाता था, लेकिन अब यहाँ से जो एंट्री है वो हो सकती है। तमाम लोग रिलैक्सेशन का ऑर्डर आने के बाद तमाम लोग यहाँ से गुजरना शुरू हो गए थे, अब लोग यहाँ से बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो मोटरसाइकिल पे केवल एक ही शख्स जो चालक है वही मोटरसाइकिल चला सकता है, पीछे कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। इसके अलावा जो वाहन प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनमें चालक समेत 3 ही लोग सवार हो सकते हैं। पासिस की ज़रूरत नहीं है ज़िले से बाहर जाने के लिए, यानी कि अगर आप ऑरेंज कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी वाले ज़िले में जाते हैं तो पासिस की ज़रूरत नहीं है। रेड कैटेगरी वाले डिस्ट्रिक्ट में जाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी आप विदाउट पासिस आ जा सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें, इस बीमारी को संजीदगी से लें, और
सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, अपने हाथों को बार बार साफ करें, अगर बाहर हैं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अगर घर पे हैं तो साबुन के साथ अपने हाथों को करीब 15 से 20 सेकंड्स तक रब कर अच्छे से धोएं। अभी हमें इस बीमारी को सीरियसली लेना है, क्योंकि देश में जो देश के जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 6000 से ऊपर के हर रोज़ इन दिनों आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के पूरे देश से आ रहे हैं, और हमारे यूटी में भी आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जो टोटल आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, हर रोज़ नए केसेस आ रहे हैं। जम्मू में भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी केसेस सामने आए हैं, रियासी में भी जो टोटल कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं वो बड़े हैं, टोटल जो आंकड़े अभी तक के हैं वो 12 हैं, और जो एक्टिव मामले हैं वो 9 हैं। तो उस लिहाज से इस बीमारी को संजीदगी से लेना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा। अभी सिर्फ रिलैक्सेशन दी गई है, कोरोना वायरस अभी भी बना हुआ है, कोरोना वायरस का खतरा अभी भी है, तो तमाम लोगों को तमाम वो नियम अपनाने होंगे जो कोविड 19 को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। लेकिन बार बार देखने को मिलता है कि रिलैक्सेशन तो दी गई है लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत से लोग अभी भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, एक बार फिर से शुरू हो गई है, मौसम सुहाना बना हुआ है, हल्की राहत गर्मी से ज़रूर लोगों को यहाँ पे मिली है। एक स्वीट शॉप है सर, पहले जैसा काम पटरी पर लौटता है या अभी काम कम है? जी आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ, काम तो पटरी पर लौटा है पर ऐसा नहीं है जैसे पहले था ना, ऐसा नहीं है। पर क्या है, एक तो पहले भी जहाँ भी जो मजदूर थे लेबर थे सब चले गए हैं, अब पीछे तो लोकल बंदे ही सारे, इतना तो है नहीं अब। बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है क्या उस कारण? उसके कारण भी है, बस स्टैंड का काम तो है ही, उसकी ना तो चलेगी। तो रिस्ट्रिक्शन जो अभी भी लगाई गई है क्या आपके हिसाब से सही है, क्योंकि बीमारी तो अभी कम नहीं हुई? नहीं नहीं सही, ये बिल्कुल सही है, एडमिनिस्ट्रेट जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तो आप समर्थन करते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं प्रशासन द्वारा लिए जा रहे, बिल्कुल जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। आपको नुकसान हो रहा है? हाँ तो हो रहा है। तो जेलने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, जो आगे भी हो इस बीमारी से हमें बाहर निकलना है तो उसका यही रास्ता है, और दुकान पूरी दिन खोल के बैठ जाएंगे तो फिर लोग आते रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक, शुक्रिया। तो इस बीमारी से हमें है, जो प्रशासन कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि यही एक रास्ता है कि इस बीमारी से बाहर निकलने का। अगर तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं खतरा लोगों के लिए बन जाएगा। एक प्रोविजनल दुकान के मालिक के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर काम में कितना फ़र्क पड़ा है, क्या पटरी पर लौटा है काम या अभी भी काम आपका कम है? जी काम में अभी बहुत फ़र्क पड़ा है, काम में बहुत फ़र्क पड़ा है, गाड़ी ना चलने की वजह से यहाँ मार्केट में बहुत ही धीमा काम चल रहा है अभी, और कोरोना वायरस की वजह से लोग बाहर भी कम निकल रहे हैं,
उसकी वजह से भी फर्क पड़ा है काम में। तो इसे किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लगाई गई है, कहीं ना कहीं बीमारी अभी भी है, तो समर्थन करते हैं इसका या फिर अब नॉर्मल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाना? नहीं, हम समर्थन करते हैं, बीमारी अभी भी है तो लोगों को अभी कम से कम घर से निकलना चाहिए। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो बीमारी अभी भी है, लोगों को कम से कम घर से निकलना चाहिए, जरूरी सामान लेने के लिए ही घर से बाहर निकलना चाहिए। पहले जैसी रौनक जो लॉकडाउन से पहले हुआ करती थी, वैसी रौनक तो रियासी के बाजारों में नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन हालांकि चहल पहल काफ़ी है, आप देख सकते हैं लगातार लोगों का आना जाना यहां पे चल रहा है। और नगर पालिका रियासी के जो प्रधान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, अपनी दुकान पे बैठे होंगे। सर, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शराब की दुकानें जब खुलेंगी तो लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी, लोग भीड़ यहाँ पे जुट जाएगी, ऐसा देखने को नहीं मिला क्या? अच्छी वाकई में अब अच्छी खबर है ये? देखिए, एक तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी जो जहाँ पे बाहर से लोग आए थे, जो जहाँ पे मजदूरी करते थे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो 95% जो है वो लोग शराब पीते थे, वो आज की डेट में वो चले गए हैं। और उसी की वजह से आज आप देख रहे हैं 2-2.5 महीने के बाद दुकानें खुली हैं और ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, दुकानों पे गाहक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इससे जो लोकल रियासी वाले थे उन्होंने भी 2-2.5 महीने इसका सब्र किया है, लेकिन मेरे को जो थोड़ी बहुत लेते थे उन्होंने भी छोड़ना शुरू कर दिया। यही मेरा अगला सवाल होना चाहिए, होने वाला था कि कुछ लोगों से हमने भी बात की, कुछ लोगों से, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि ज्यादातर लोगों ने, उन्होंने कहा कि अब इतनी देर अगर नहीं मिली तो हम विचार कर रहे हैं कि छोड़ ही दे। तो आप भी जानते हैं ऐसे कुछ लोगों को? देखिए, अच्छी बात है कि अगर 2-2.5 महीने जो डेली पीने वाला शराब था उन्होंने 2-2.5 महीने उनको शराब नहीं मिली, वो ठीक रहे, अच्छी तरह उनकी सेह रही, वो भी इस बात को समझते हैं कि अगर 2-2.5 महीने नहीं मिली है तो आगे छोड़कर देखते हैं कि क्या होता है। और ये भी एक मार्केट में फर्क पड़ा है। और सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है, जो मजदूर थे वो चले गए बाहर, क्योंकि आपको पता है जो भी मजदूर था वो रात को काम सुबह काम करता था और रात को वो जितने भी पैसे कमाता था वो शराब की दुकानों पर देता था। एक ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये लोगों के लिए एक मैसेज गया है कि शराब कोई अच्छी बात नहीं है। और शराब लोगों को छुड़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि 2-2.5 महीने इन्होंने सफर किया है। अगर ऐसे ही 2-2.5 महीने यहाँ पे दुकानें नहीं खुलती तो शायद ये और ज्यादा फर्क पड़ता। तो मजदूर आपने कहा कि ज्यादातर वापस लौट चुके हैं, जो नगर पालिका के काम अब फिर से शुरू करवाया गया, क्या वहाँ दिक्कत आ रही है या लोकल स्थानीय जो लेबर है वो आपको आसानी से? देखिए, दिक्कत बहुत है, क्योंकि आपको पता है जितने भी कारीगर थे हमारे जहाँ टाइल का काम करते थे, ये सारे लोग चले गए और हमारे काम जो 2-3 थे हैं उसके बाद कल से बिल्कुल काम ठप पड़ गए, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से हमारे काम जो है दोबारा ठप पड़ गए। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा ही रहा तो शहर में जो काम हो रहे हैं वो लोकल के काम है या जिन्होंने मन के काम लाए हैं उसके लिए वहाँ पे बढ़ावा है। तो लेबर जब आएगी तभी सुचारू रूप से चल पाएगा, आपका ये कहना? मैं समझता हूँ कि अभी 5-6 महीने या 1 साल ये लेबर वापस आने वाली नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना का लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि बाहर जो है 200-250 रुपया 300 रुपया इनको दिहाड़ी मिलती है और रियासी में या जम्मू कश्मीर में 1,000 रुपया मजदूर रोजी का कमाता है। अगर उसके घर में 4 आदमी है, 4 आदमी काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 5-6 महीने या 8 महीने या 1 साल की बात है ये वापस आने वाले हैं मजदूर, और ये आएंगे क्योंकि इनको वहाँ पे काम नहीं मिलेगा। और जितना काम हमारे जम्मू कश्मीर में जो दिहाड़ी लोग वाले कमाते हैं, इतना लोग कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं, उनको लेबर मिलती है, क्योंकि आपको पता है 200-250 रुपये दिन में ये मजदूरी मिलती है, क्या होता है इनका। मैं समझता हूँ कि जब ये वापस आएंगे तो शायद दोबारा काम जो शुरू हो जाए। तो 9 एक्टिव केस अभी भी रियासी में है, जो नए केस आ रहे हैं क्वारंटीन सेंटर में थे, ये क्या खतरनाक हो सकते हैं रियासी के लिए या क्वारंटीन सेंटर में होने के कारण इतना खतरा नहीं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट रियासी में इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जितने भी ये केस आ रहे हैं सब ये क्वारंटीन सेंटर में है, बंद किए हुए और बाहर से। अगर ऐसा कभी होता कि जितने मजदूर जो हमारे रियासी के गए हुए थे वो ऐसे उनको छोड़ देता तो शायद आज ये तस्वीर जहाँ की रियासी की हो रही थी। वो बहुत अच्छा काम ये गवर्नमेंट की तरफ से कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद वो पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव है। तो
रियासी में चहल पहल किस तरह की है मार्केट में, और काम क्या पहले जैसा है या काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है काम में अभी भी? देखिए, जब तक ये ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चलेंगी, बाहर से लोग नहीं आएंगे, तो मेरे को नहीं लगता है कि रियासी में काम होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि लोकल आदमी कितने पैसे रोज के डेली के हमें बताएंगे जी आगे, जितने भी हमारे यहाँ पे कस्टमर आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, गुड़ गुलाबगढ़ से, मोर से, आगे पीछे से, और जब तक ये गाड़ी नहीं चलेगी तब तक ये इतना काम नहीं होने वाला है। तो गाड़ियाँ अभी चलनी चाहिए या नहीं, नगर पालिका प्रधान क्या सोचते हैं, क्योंकि खतरा तो अभी भी बड़ा हुआ है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, गाड़ी जैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला हुआ है कि एक मैटर रोड में 10 आदमी या 12 आदमी बैठेंगे, जहाँ जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसमें 10 या 20 आदमी चलेंगे, उससे डबल पैसा कोई किराया देने वाला है, तो जो गाड़ियाँ हैं वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि उनको अगर 120 रुपये में हमारा जो है हम ट्रैवल करते हैं जम्मू में, तो 240 कोई देगा नहीं, क्यों? तो 240 जब तक नहीं देगा तो उनकी गाड़ी नहीं चलेगी। अब आप देखते हैं मैटर हो रहे हैं, जो हमारे टेम्पू हैं, ये 4-5 गाड़ी लेके जम्मू जाएंगे नहीं, जिनके पास अपनी गाड़ी है वो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जब तक ये गाड़ी नहीं चलेंगी तो ये बिजनेस जो है बिल्कुल ठप है। क्या लगता है और केसेस भी सामने आ सकते हैं रियासी जिले से, या कम होता जाएगा आंकड़ा? देखिए, मैं समझता हूँ कि रियासी प्रॉपर रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो है इतने केस नहीं आने वाले हैं, जहाँ रियासी के जो इतने केस नहीं आ गए, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं ये उनकी वजह से हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है अच्छा स्टेप है, उनको अंदर रखा गया है, तो जब तक ये चलेगा, जब तक जो हमारे जो जितने भी कर्मचारी बाहर गए हैं काम करने के लिए, तब तक वो आदमी वापस नहीं आ जाते, तो ये ऐसे ही चलना चाहिए। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो जो भी लोग बाहर गए हैं, जब तक तमाम लोग वापस नहीं आ जाते तब तक इसी तरह क्वारंटीन करना चाहिए और सैंपलिंग होनी चाहिए, रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाना चाहिए या फिर पॉजिटिव आने के बाद इलाज करवाना चाहिए। तो नगर पालिका के प्रधान सुदेश पुरी का ये कहना था। एक मॉल भी आप देख सकते हैं, ये एक दुकान है, अलग अलग सामान यहाँ पर रखा हुआ है, ग्राहक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो चलिए, फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही। फिलहाल मुझे दी अनुमति, और कोविड-19 और रियासी जिले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।